नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। ख्याली दुनिया, ख्याली लोग। ख्याल तो यह भी था कि 50 लाख घर बनाएंगे, 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, तैमन छाप मुल्क को पूरी तरह टोपिस्तान बना देंगे, पर मुल्ला के झोपड़े में कभी मोमबत्ती नहीं मिलती है। इसलिए आज अगर इमरान खान को इस बीमारी में पैसे बांटने का ख्याल आया है तो वह लंगर खाने और पनागा से ज्यादा नहीं है। 3,448 संक्रमित मरीज, 52 लोग हुरों के चक्कर में फरार, 41,000 लोगों के संक्रमित होने की संभावना। फिर ऐसे में यू टाइगर फोर्स के नाम पर तैमंद फोर्स का ख्याल जरूर दिलासा देता है, पर इस सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पाकिस्तान की चीनी और गेहूं जहांगीर तरीन जैसे लोग चट कर गए, फिर तैमंद फोर्स क्या बांटेगी। पाकिस्तान के हालात जितने बिगड़े दिखाई देते हैं उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। लोग सड़कों पर राशन की उम्मीद में खड़े हैं, कोई गाड़ी गुजरती है तो लोग टूट पड़ते हैं, पर गाड़ी में मौजूद लोग राशन वाले नहीं हैं, बल्कि ये लोग तो मीडिया वाले हैं जो इनके कमर में धस चुके पेट के फोटो खींचकर चलते बनते हैं। लोग वजीर आजम के सामने खुदकुशी कर रहे हैं, मगर इमरान कश्मीर कश्मीर खेल रहे हैं, यानी चौबारे पर बैठा कौवा हवा में उड़ने वाली चुहिया की तलाश में है। भारत की नकल करके गरीबों को पैसे देने का ऐलान तो कर दिया, पर सवाल उठे कि इस पैसे को कैसे भेजेंगे। गरीबों के तो बैंक में खाते ही नहीं है, फिर कहा गया मोबाइल ऐप से पैसे भेजे जाएंगे, यानी जो आवाम दो वक्त की रोटी नहीं जुटा पाती उसके पास मोबाइल कहां से आएगा। पाकिस्तान में आज भी 38% आबादी के पास मोबाइल नहीं है, पर मदीने की रियासत है, मुल्लाओं का देश है, यहां ऐसे ख्याल लाए तो फिर ख्याली पुलाव कैसे तैयार होंगे। जिन लंगर खानों के नाम पर इमरान ने सलवार में कप दिलवाया था उसके डेगचे पर मक्खियां भिन भिना रही है। पिछले 18 दिनों से चिपकी सूखी सब्जी अब तक साफ नहीं हो पाई है। पना गांव में पिंकी पीरनी के जिनों का वास है, पर इमरान है कि ख्यालों में ख्याल देख रहे हैं। पाकिस्तान के चारों सूबों में लॉकडाउन चल रहा है, मगर लड़का कह रहा है पाकिस्तान में लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, देश गरीब है, जनता भूख से मर जाएगी। अब इस बावले बुत को कौन समझाए, इसका वो कौन सा पाकिस्तान है जिसमें यह लॉकडाउन नहीं लगाने की बात कर रहा है। 42% से ज्यादा लोग भुखमरी में दम तोड़ चुके हैं, 2 लोग आत्महत्या कर गए, इतना या इससे कुछ ज्यादा संक्रमण में मारे गए हैं। यानी इमरान का ख्याल भी दुरुस्त है कि भूख की वजह से लोग मर सकते हैं, पर उस ख्याल का क्या है जो नया पाकिस्तान के रूप में लोडे ने आवाम को सुझाया था। वह तो बरगद के पेड़ पर उल्टा लटका मोर बन गया है। 21 महीने की सत्ता में इमरान इतना ही सत्तू घोट पाए हैं। मोदी की नकल में पाकिस्तानियों से डोनेशन का कटोरा जरूर मांझा था, पर किसी ने चवन्नी तक नहीं दी है, यानी पाकिस्तानी जनता IMF से भी ज्यादा बुरा बर्ताव कर रही है। पर इसमें जनता को क्यों कोसे, पाकिस्तान में पैसा बचा ही किसके पास है। FBR ने तो सारा कुछ तो निचोड़ दिया है, जो निचोड़ा वह भी चीन और पश्चिमी देशों को ब्याज के रूप में चला गया। डॉलर 167 के पार है, बिजली गैस की हालत ऐसी है कि लोग धूप में पिछवाड़े गर्म करके कच्ची रोटियां खा रहे हैं। इसके बावजूद भी इमरान ने गरीबों के लिए 200 अरब रुपए जारी कर दिए, पर यह घोषणा भी उस वक्त ख्याल बन गई जब पता चला खजाने में अतिरिक्त पैसा ही नहीं है। यानी मुल्ला जी का ख्याल पड़ोसी की खुटी के रुमाल में बदल गया, जिसे अपना समझकर खुश तो हुआ जा सकता है, पर दाढ़ी पहुंचने के लिए तैमद अपना ही ऊपर करना पड़ेगा। जिस बाजे के ऊपर पाकिस्तानी अवाम नाचा करता था, पता नहीं उस बाजवा को हीरा मंडी निकल गई या फिर अपनी जान आफत में फंसता देख वह खुद ही लापता हो गया है। पर आवाम है कि अभी भी सेना को पुकार रहा है, मगर इस पर मेरा भी कुछ ख्याल है। बाजवा को चाहिए कि सारे परमाणु बम इमरान लोंडे की पीठ पर बांधकर एक बार इस्लामाबाद में मुजरा जरूर कराए। निसंदेह यह मान गदैया नरता होगा, यही पाकिस्तान की असली ताकत है, क्योंकि घास की रोटी खाने के मुहाने पर खड़ी जनता आखिरी वक्त में उस जखीरे को जरूर देख ले जिसने उसे इस हालत में पहुंचाया है। भारत जरूर गर्व कर सकता है, उसके पास मोदी है, पर पाकिस्तान को भी यह गर्व करने का मौका मिलना चाहिए कि रोटी नहीं तो क्या हुआ, उसके पास अभी भी परमाणु बम है। सवाल तो बहुत हैं, पर लॉकडाउन की सीमा में बंधा हुआ हूं, इसलिए बस इतना ही बहुत है। अब इसमें कितना दम है आप भी अपना ख्याल जरूर बताइएगा। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।